नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा अपने चैनल शिवानी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज स्वागत हो रहा है बैटरी ऑटो से, ई रिक्शा से, क्योंकि आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो मैंने किंचुक और कपिश ने करने हैं, और इतने इम्पोर्टेंट काम है कि वो आज ही करने तो बहुत टाइम से थे पर वो पेंडिंग पड़े हुए थे। आप फाइनली आज हम निकले हैं, और आज बहुत ठंड है क्योंकि सुबह से हो रही थी बारिश, अब मौसम सही हो गया है। तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं अपने काम, भी पहुँचते हैं घर और आपको मिलते हैं घर पर। यहाँ पे है कपिश और मौसम इतना अच्छा सुहाना, ठंडी हवा आ रही है ना। मैंने तो इनको कहा था फुल स्लीव्स पहन लो पर इन्होंने पहना नहीं फुल स्लीव। आ चुके हैं, अपना जितना भी बैंक और स्कूल का काम था वो करा है। स्कूल तो स्कूल का ऑफिस जो था वो बंद था, इसलिए स्कूल का काम हो नहीं पाया, बैंक का काम हो गया। अब ये रही मम्मी, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी है। हाँ, मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, कल से हो रही है, क्योंकि मौसम जो बदल रहा है ना, सर्दी जुकाम वाला मौसम था, अब शरीर टूटने लग गया है। सर्दी जुकाम तो मेरे को भी हो रहा है। हाँ, तो ये सबके साथ ही हो रहा है, और मैं फिर भी चली गई क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आई हूँ, अब शरीर बहुत दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। अब दवाई खाऊंगी, रात को भी दवाई खाई थी और अब दवाई खा के लेटती हूँ, कुछ खाने का मन नहीं। वैसे भी व्रत चल रहे हैं। ओवर टू कपिश, और कल रिजल्ट बता दें। दर्द तो एज यूजुअल लग रहा है, और मेरी भी थाइस पता नहीं थी क्यों दर्द हो रही है, क्योंकि कल मैंने ना डाइव, फुटबॉल में मैं गोलकीपर हूँ ना, तो मैंने डाइव की प्रैक्टिस कल ज़्यादा कर रही थी, मेरे से हो नहीं रही थी डाइव। तो फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस की एंड में मेरे से हो ही गई, तो आज मैं मारूँगा डाइव। फिर अभी हम जाएँगे कितनी देर में खेलने, अभी तो बहुत टाइम है, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जाएँगे खेलने। अरे बस मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, शाम चल रहे टीवी, मिलते हैं बाद में। अब शाम के बज गए हैं 6, जैसे कि मैंने आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं दवाई खा के सो गई थी और मैंने कुछ खाया ही नहीं है। अब बहुत भूख लग रही है, अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, चाय के साथ चिप्स थोड़े से खा लूँगी। अब खाना एक ही टाइम रातों खाऊँगी, तो बनाती हूँ चाय। शाम का टाइम हो गया है और किंचुक जला रहा है शाम की ज्योत माता रानी की। आज है नवरात्रे का तीसरा दिन, आज है तीसरा नवरात्रा माता रानी का। वो जली नहीं थी बल्ब, हमारा बल्ब बुझ, कोई नहीं, मैं गई अभी जला के दिखा। आज माता रानी का तीसरा नवरात्रा है और किंचुक जो है वो शुभ जो है माता रानी की जला रहा है ज्योत। तो जलाओ बेटा, छोड़ दो इसको और जलाओ। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:15, और अभी मेरा मन कर रहा, हमारा मन कर रहा है ओरियो शेक मिल्क, ओरियो मिल्क शेक बनाने का। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मम्मी यहाँ पे काम कर रही है हमारा एनसीसी का, और अभी अवस्था में ऐसे घूम रहे हैं। और ये देखो, और कपिल ने यहाँ पे कर दिया है, और अब मैं करता हूँ गाइस ग्राइंड। तो गाइस अब किंचू कर रहा है यहाँ पे ग्राइंड, तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, ये हाथ से भी गया। तो यहाँ पे बंद क्या कर रहा है, ये नहीं लगाना। शेक इज रेडी टू ड्रिंक। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करने के लिए क्या डल रहा है, हर्षी सिरप, हर्षी स्मूथ। ये इन्होंने आधा अधूरा काम करके रखा था, आधा कंप्लीट मैंने करा है। माँ के टच के बिना कोई चीज नहीं बनती, माँ के टच के बिना। चलो लेके जाओ और पी लो, बराबर डालती हूँ मैं। ओरियो शेक के बाद बन गया है डिनर। यहाँ पर है किंचुक की ढाबे वाली दाल, और यहाँ पर है कपिश की येलो दाल। आज मैंने दो दालें बनाई हैं दोनों की पसंद की। और यहाँ पे किंचू की प्लेट आ गई है, किंचू खा रहा है डिनर, इसमें है चावल। मेरा व्रत है तो मैंने खाया नहीं, बाकी अभी कपिश ने खाने और इन्होंने भी खाना है अभी, तो खाते जाओ। तो गाइस जहाँ से पहले बाय की थी अभी फिर भी वहीं से बाय करने जा रहा हूँ, और अभी मैं खाना वाना खा लिया था, और अभी बस मैं थोड़ा टीवी देखूँगा फिर थोड़ा सो जाऊँगा, और कल है मेरा फाइनल रिजल्ट। ये बैठा साथ में किंचुक। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।